रतलाम में कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया है, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव इशिता सेड़ा सहित कई युवक कांग्रेस सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौराहे पर बेरोजगारी और किसान अध्यादेश बिल के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इन सबके बीच कांग्रेस ने ठेला गाड़ी पर केले भी बेचे, तो वहीं मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रही। लेकिन पहले से पीएम मोदी के अघोषित पुतला दहन के चलते पुलिस बल मौजूद रहा, लेकिन कांग्रेसियों ने आखिरकार पुतला धरना स्थल तक जाकर पुतला जला ही दिया। तो वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव इशिता सेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे मोर की तरह नाचते हैं, 2 मिनट में 6 जोड़ी कपड़े बदलते हैं, लेकिन किसानों की समस्या नहीं समझते हैं। देखिए, जो 3 काले कानून सदन में पास हुए हैं, उसके विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस के बैनर के तले हमारे रतलाम जिला युवा कांग्रेस के साथ होंगे। मैं उनके साथ स्वयं आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आई थी कि राष्ट्रपति जी से हम लोग अनुरोध करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर रोक लगाएं, और जो ये डेथ वारंट किसानों के निकाले जा रहे हैं और सदन में बखूबी सबकी आवाज़ को दबाते हुए पास किया गया है, ये संविधान के विरुद्ध है। किनका पुतला जलाया गया? नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया गया है, वे ही संविधान विरोधी है। बार बार कभी वो नोटबंदी करते हैं, कभी वो देशबंदी कर देते हैं, और आज वो किसानों की भी बंदी करने पे लागू हो गए हैं। एक तरफ वो मोड़ से नाचते हैं, 2 मिनट में 6 जोड़ी कपड़े बदलते हैं, और इनकी समस्याएं उनको नहीं।